और हमारा चीकू जो है यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको बिठा दिया ट्रॉली में। और हमारी फ्लाइट लैंड हो गई है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग की ढेर सारी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे। हालांकि कल तो मैंने बोला था कि कुछ हल्का ही खाएंगे, लेकिन जब फ्रिज ओपन किया ना तो फ्रीजर में थोड़ा सा पनीर बचा था। अब इसको हम एक हफ्ते के लिए छोड़ नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा चलो क्या बनाए। पनीर उतना नहीं था कि पराठे निकल जाए, पनीर बहुत कम था, इसीलिए कुछ बॉयल्ड पोटैटो भी थे, मतलब आलू था जो उबला हुआ फ्रिज में 2-3 रखे हुए थे जो मैंने कल ही उबाले थे। तो मैंने लिया बची हुई पनीर, 2 आलू, प्याज, हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर। बहुत सिंपल पराठे बना रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने आटा गूंथ लिया हुआ है। तब तक जब तक ये मसाले तैयार करूंगी ना, तब तक आटा को भी 10 मिनट रेस्ट हो जाएगा, फिर अच्छा पराठा बनता है। अब क्या है ना, हमें 1 बजे निकलना था एयरपोर्ट के लिए और हमारी फ्लाइट जो है ना वो शाम के 6 बजे है। तो 1 बजे से लेके बाकी 5 बजे तक हम लोग वहाँ पे इंजॉय करेंगे, लेकिन 1 बजे तक तो भूख लग ही जाती है ना, वो तो लंच का टाइम हो जाता है। तो हम सोचे चलो ठीक है, ये ब्रंच ही हो जाएगा हमारा, पराठे थोड़ी फुलफिलिंग होती है ना। तो बस हम सुबह से लग गए, सुबह से नहीं लगे, हम उठे थे 7 बजे और 7 बजे के बाद हम किचन में काम कर रहे थे। 7:30 में हमारा बेटा उठ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम साइड छोड़ते हैं ना इसे भी नींद नहीं आता है, और ये आगे आते ही देखिए रो रहा है, क्योंकि इसको नीचे नहीं रहना, गोदी में रखना है। तो मैं थोड़ा सा इसको लेके बालकनी में टहला दूंगी, उसके बाद फिर अपने काम में वापस लग जाऊंगी। सो पहले क्या करेंगे ना, जितनी भी गोलियां निकली है ना आटे से, उस सब की फीलिंग पहले कर लेते हैं, भर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सेक लेंगे, क्योंकि उसके बाद सेकना आसान हो जाता है। भरते रहो सेकते रहो, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मुझे आदू को भी खाना खिलाना होगा, ब्रेकफास्ट कराना होगा, और वो उठ जाता है उसके बाद, वो थोड़ा सा पैम्पर्ड चाहता रहता है, क्योंकि मैंने बचपन से उसको वो दिया है उठना तो 10 मिनट के लिए उसको टाइम देना, तो वो चीज़ इसमें आदत लगी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सब में एक साथ ही भर लिया था, अब एक एक करके बेल के और फटाफट सेक के इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फुली फुली पूड़ियाँ बन रही है। अगर पूड़ियाँ फुल जाए ना तो लगता है जैसे कुकिंग हमारा सफल हो गया। स्टार्टिंग में ना जब मेरी शादी हुई थी तब मुझसे ना पूड़ियाँ ही नहीं बन रहे थे, मतलब जब पूड़ियाँ बना रही थी ना तो आलू कभी बाहर निकल जा रहे थे, जब बेल रही थी तो उसकी जो मतलब परत है ना वो मोटी हो जाती थी, तो मुझसे परफेक्ट नहीं बनता था। तो हम सोचते थे चलो जिस दिन अगर पराठा बन गया ना सही से, उस दिन समझेंगे कि मुझे सारे खाने बनाने अच्छे से आ गए। फिर मैंने 2-4 बार खूब मेहनत किया, फिर जाके मेरा पराठा भी इतना अच्छा बनता है ना कि मैं आँख बंद करके भी अगर उसमें स्टफिंग डालूँ ना और बेल दूँ ना तो वो कभी नहीं फटता और फूल सारे पराठे फूलते हैं, वो मैं तो आपको दिखा ही रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, सब चीज़ एक्सपीरियंस से गेन होता है और मुझे भी टाइम लगा कुकिंग सीखने में, ऐसा नहीं था पहले से मुझे आता था। तो ऐसे एक एक करके मेरे सारे पराठे निकल गए, हालांकि 1-2 पराठा मेरा एक्स्ट्रा ही बन गया था, आटा छोड़ नहीं ना सकते थे फ्रिज में, तो सारे पराठे मुझे बनाने पड़े। अच्छा कोई नहीं, जो खाएंगे खाएंगे, नहीं खाएंगे सो पैक करेंगे, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं है घर में ना, क्योंकि अभी 4-5 दिन में तो सारे पराठे ख़राब हो जाएंगे। जब तक मैं उधर पराठा बना रही थी मैंने आदू को लिया, तब तक मिस्टर कुमार नहा के और पूजा पाठ भी कर लिए, तो हमारे सारे काम रेडी हो चुके। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और हम लोग का मन था 1 बजे निकलने का, बट निकलते निकलते 2 बज गया है, पर कोई बात नहीं, अभी हम लोग लेट नहीं है, समय से पहले ही जाने का कोशिश किए थे, अभी भी समय से पहले ही है। और ये आदू देखिए एकदम झंडू बाल की तरह एकदम चल रहा है, बेटा शर्ट ऊपर कर रहा है। हाँ। और निकलते टाइम इतना ज्यादा ये रो रहा था ना, जब ये रेडी हो जाता है तो 1 मिनट इसको कहीं भी नहीं रहना है, अब बस बाहर निकलना है, गेट के गेट खोल दो अब ये बाहर जाएगा, तो रोना धोना शुरू हो गया है। शर्ट ऊपर कर ले बेटा। और आदू का ये फर्स्ट ट्रिप है ना, घूमने पहली बार जा रहा है आदू। नानी के घर गया था बट उसके अलावा ये पहला ट्रिप है जो आदू मारने वाला है, वो भी 4 डेज का। हम लोग का जो यात्रा है वो भी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ हम लोग ये दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुके हैं।
एयरपोर्ट पर क्या है कि डीजी यात्रा की सुविधा है टर्मिनल 3 पे, जिसमें आपको ना ज़्यादा भीड़ फेस करना पड़ेगा ना कुछ। और देखिए नेहा जा रही है। हम लोग जा रहे हैं लगेज ड्रॉप करने, और लगेज ड्रॉप करने के बाद फिर जो है हम लोग लाउंज जाएंगे, मस्ती करेंगे, जो भी करना होगा, फिर हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे। तो देख रहे हैं नेहा कितना मेहनत कर रही है, ट्रॉली को पूरा ट्रॉली को लेके चल रही है, जितना मेरा वजन है उससे दुगना इस ट्रॉली का वजन। बिल्कुल। तो यहाँ पे चली मैं बैग ड्रॉप करने। अब क्या है ना कि मैं दो छोटा छोटे बैग लेके आई हूँ, और एक आदू का है जिसमें बॉटल, उसका दूध, उसका डायपर, ये सब रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक बैग जो है ना वो ड्रॉप किया है, एंड दूसरा बैग जो वो हैंड बैग रहेगा क्योंकि उसमें लैपटॉप है। इस वजह से फ़्लाइट में लैपटॉप वाला बैग ड्रॉप आप नहीं कर सकते। और क्या है ना कि सफ़र में जब आप थोड़ा लाइट सामान लेके जाओ ना तो सफ़र बड़ा अच्छा रहता है, और ज़्यादा हेवी सामान लेके जाओ ना तो सफ़र उतना मुश्किल हो जाता है। मैं उतना सामान लेके नहीं जाना पसंद करती हूँ। यहाँ मुझे टिकट मिल चुका है, फाइनली हमने लगेज कर दिया है ड्रॉप, और अब जा रहे हैं लाउंज की ओर। अभी चेक इन होना बाकी है। वही चेक इन होना है अब जो है। ठीक है, तो नेहा जो है काफ़ी एक्साइटेड है घूमने को लेकर के, है ना नेहा? आर यू एक्साइटेड? तो एक सेकंड नेहा, हम लोग को ना लाइन में लगना नहीं है, ठीक है? हम लोग का डीजी यात्रा से ऑलरेडी है, तो डीजी यात्रा की सुविधा है, तो फटाफट डीजी वाले से लाइन फ्री होकर चल लेते हैं। डीजी यात्रा वाला नया सुविधा अभी आया है, पहले ये नहीं था। इसमें क्या होता है ना, सब ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको एयरपोर्ट पे हर जगह वेरिफिकेशन नहीं लगता है, डायरेक्ट आप जो है ना मशीन से चेक इन होते होते आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एयरपोर्ट का अच्छा अच्छा नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके अच्छे अच्छे रील्स जो है मैंने बनाया, तो इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको मेरे मिल जाएगा। गाइज अभी जो है ना हम लोग भर भर के रील शूट किए हैं, और वो रील्स आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छे अच्छे रील शूट किए हैं क्योंकि हम लोग पास टाइम है, हम लोग टाइम लेके ही आए थे कि आप मस्ती करेंगे, और खूब मस्ती कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं। यस। और हमारा चीकू जो है यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको बिठा दिया ट्रॉली में, और ये मजे से बैठा हुआ आराम से, और मम्मा का डांस देख रहा है, मम्मा का रील्स बनाते हुए जो शूटिंग चल रहा है वो देख रहा है। तो अभी हम लोग चलेंगे लाउंज में और वहाँ पे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग एक घंटे डेढ़ घंटे तो यहीं पे हो गया, बाकी आए गए तो अब भूख भी लग गई है क्योंकि हो गया पराठे पच गए। चीकू गुस्सा हो गया। हाँ दो सर ना बेटा, वो नहीं आएगा, उसी में बैठेगा वो। चलिए फिर इसी को इसी में लेके चलते हैं ना। आदो अभी तक तो बच्चा हमारा बहुत कोऑपरेट कर रहा है, मतलब आराम से चल रहा होता है ना, कई बार बच्चे बाहर जा रहे होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही किचकिच करते हैं, तो अभी तक तो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग आए हैं यहाँ पे लाउंज में, तो उससे पहले जो है यहाँ पे कार्ड स्वाइप करना होता है, तो बस वही चल रहा है, वो प्रोसेस वो कर रहे हैं। तब तक मैं आदू को देख रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये तरह तरह के इंसानों को देख रहा है और इंजॉय भी कर रहा है। अभी शाम के 4 बज रहे थे और हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली राइस नहीं खाओ ना चावल तो लगता ही नहीं कि आज कुछ खाया है, और मेरे से ज़्यादा तो मेरे पति देव का चावल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पे लाउंज में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ था, वो तो अच्छा हुआ जो दो सोफ़ा जो है हम लोग को मिल गया, दो सिटिंग एरिया। और यहाँ पे आदू के लिए सबसे तो पहले मैंने दूध बना दिया था, उसने दूध पिया, उसके बाद वो अपने पापा के प्लेट से दाल चावल खा रहा है। तो यहाँ मिस्टर कुमार अपने लिए प्लेट ले आए हुए हैं, अब हम जाएंगे क्योंकि वो बाबू को रखे हुए हैं, तो हम जाएंगे अपना प्लेट लाने। उससे पहले आप लोग को दिखाते हैं कि आज क्या क्या मेन्यू में था। यहाँ पे 4 तरीके का सलाद था, जैसे बीटरूट, कॉर्न और कुकुम्बर और पास्ता, ये चारों टाइप का सलाद था जो कि बहुत अच्छे से बनाया गया था। साथ ही में सूप भी था जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया था। और इधर लंच में था मटर पुलाव, साथ में येल्लो दाल फ्राई, उसके साथ था पालक पनीर,
उसके साथ था मिक्स वेज। मिक्स वेज बहुत ही टेस्टी था क्योंकि मलाई में तैयार किया गया था, ऑब्वियसली मलाई में तैयार किया गया सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी क्रीमी रहता है, और पालक पनीर भी बहुत टेस्टी था। और दूसरी तरफ नॉनवेज में बनाया गया था अचारी मुर्ग, ये है मिक्स वेज। इसके बाद जो है ना वो मुर्ग अचारी आपको देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, ये बोनलेस बनाया गया था। खैर जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो खाते हैं वो उनके लिए ये बहुत ही टेस्टी था। मैं सोच रही थी कभी ना घर पे बनाऊंगी और आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और दूसरे साइड जो लगाया गया था वो था स्नैक्स, क्योंकि स्नैक्स का भी टाइम था, ऑब्वियसली 4 बज रहे थे तो स्नैक्स का भी टाइम था, तो इधर झाल मूढ़ी पापड़ी चाट ये सारी चीज़ें मिल रही थी। आप जो भी ऑर्डर करते वो आपके लिए बना के दे दिया जाता। तो हमने यहाँ पर अपना लंच प्लेट लिया जिसमें लिया था राइस, थोड़ा सा सलाद जिसमें चिकपीज और कुकुम्बर दोनों ही थे, पालक पनीर, थोड़ा सा मिक्स वेज एंड चिकन लिया था। चिकन मेरा फेवरेट है। अब कोई ये देख के मत कह देना कि आप कैसे किसी को मार के खा सकते हो, ऐसा नहीं खाना चाहिए। देखिए जी, सबका अपने अपना खाने का तरीका होता है, अपने जीने का तरीका होता है, प्लीज़ इस पर कॉमेंट मत कीजिएगा। जो लोग नहीं खाते उसको सॉरी, जो खाते हैं वो हमारा मील इन्जॉय कीजिए देख के। तो बस मैं अपना यहाँ पे खाना खा रही हूँ और आदू यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ पे इसको एक बच्चा मिल गया था जिसके साथ ये इतना मज़े से खेल रहा था ना, ये आप लोग को आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखो डरा क्या ले गया, झाल मुड़ी, झाल मुड़ी। उसको भी चाहिए, तीखा तो नहीं है? ओ माय गॉड, कच्चा मुड़मुड़े लेके आई थी मैं, लेके आऊं? चलिए अब ये काउंटर क्यों छोड़े, हम आपको मीठा दिखाते हैं कि मीठे में क्या था। तो यहाँ पे था सेवई का खीर जो कि बहुत टेस्टी और अच्छा बना था, हमने नहीं खाया, मिस्टर कुमार थोड़ा सा लेके आए थे, हम लोग बस टेस्ट किए थे एक एक चम्मच। और उसके बाद था फ्रूट केक जो मैं नहीं ली थी क्योंकि ये आगे हमें बहुत मिलने वाला है, हर जगह ये इजीली अवेलेबल होता है तो हमें आगे मिलने वाला है। और यहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी एंड चाय था, यहाँ पे बार काउंटर था जहाँ से आप कुछ भी ले सकते थे, लाइक बियर या जो भी आपको पसंद हो वो सब ले सकते थे, चाय अपने पसंद से बनवा सकते थे। तो मैंने लिया था डाइट कोक, ऑब्वियसली इतना ठूस ठूस के खाएंगे तो कुछ तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे खा पी के जो है हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, 5 बज चुका है और 5:30 में हम लोगों को गेट पर जाना पड़ेगा क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अनाउंस हो चुका था। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, जाने में भी 15-20 मिनट लगेगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे है और दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, जो लोग आए होंगे ऑब्वियसली वो लोग जान रहे होंगे। गाइज हम लोगों ने कर लिया लाउंज में खूब सारा एंजॉय, खूब सारा ढेर सारा मस्ती, खाना भी खा के पेट कर लिया है लंच, और नेहा तो चिकन पे चिकन दबा दी है पूरा एकदम टाइट से, और चिकू को देखिए चिकू भी पैक्ड है। तो अब चलते हैं क्योंकि अब हमारे फ्लाइट का टाइम हो चुका है। यस, तो हम फ्लाई करने वाले हैं। अब फाइनली हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं क्योंकि अब इधर का जितना भी हो गया सारा एक्सप्लोर हो गया, सारा जगह मस्ती हो गया। अब बिल्कुल अब जब हमारा टाइम हो चुका है तो फ्लाइट अब टेक ऑफ करने वाली है, तो अब हम लोग को जाना पड़ेगा। तो बोर्डिंग हो चुका है तो स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग का जो है वो इकोनॉमी में था, प्रीमियम इकोनॉमी में था, इसीलिए हम लोग का जो है ना सारा काम प्रायोरिटी पे हुआ है, इसलिए कहीं पर लाइन में नहीं लगना पड़ा है। तो जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है तो हमारा क्लियर हो गया है और हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम लोग फ्लाइट में इन करने जा रहे हैं। वेलकम। तो सो 3 घंटे का फ्लाइट है, तो हम लोग पहुंचे हैं 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास। अभी 6 बज रहे हैं, 3 घंटे का फ्लाइट है तो लगभग 9 बजे तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट से निकलते 9:30 हो जाएगा।
फ्लाइट में तीन कैटेगरी की सीट होती है, एक बिजनेस क्लास होता है, दूसरा प्रीमियम इकोनॉमी होता है और तीसरा इकोनॉमी होता है। ये ना विस्तारा में ये रूल है, बाकी फ्लाइट में एक बिजनेस क्लास होता है, एक नॉर्मल क्लास होता है। तो हम विस्तारा से ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन टाइप के सीट थे, तो मेरा जो था ना वो मिडिल वाला था, जैसे कि प्रीमियम इकोनॉमी था। इकोनॉमी बेसिक होता है, प्रीमियम इकोनॉमी उससे एक ऊपर होता है और बिजनेस सबसे ऊपर होता है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो बिजनेस क्लास वालों को दी जाती है, उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी वाले को दी जाती है और सबसे लास्ट में जो है ना इकोनॉमिक वाले को दी जाती है। और यहाँ पे हमारी फ्लाइट दिल्ली से उड़ चुकी है तो यहाँ पे मिल रहा है अब खाना, मतलब जो भी फूड है वो मील है वो सर्व होगा। तो ऑब्वियसली रात हो रहा है तो यहाँ पे डिनर सर्व हो रहा है, ये ना टिकट में आपके इंक्लूड होता है, तो वही हमारे टिकट में इंक्लूड है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला आइए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम अपना तो नहीं खोलेंगे क्योंकि आदू सोया हुआ है तो खाने में बनेगा नहीं, वैसे खा के आए हुए तो थोड़ा टाइम बाद ही खाएंगे। तो यहाँ पे हमने भी भेज लिया है और इन्होंने भी भेज लिया है क्योंकि हमने वहाँ पे नॉनवेज खाया था, यहाँ पे मन नहीं था मेरा नॉनवेज खाने का। वैसे दोनों ऑप्शन होते हैं वेज एंड नॉनवेज, तो वेज में था पनीर की सब्जी, दाल, राइस और सलाद और ब्राउनी, साथ ही मिल गया था एक बन और बटर और चाय कॉफ़ी आप अपने पसंद से ले सकते हैं। पानी भी दिया था तो पानी भी आपको जितना मन हो वो ले सकते हैं। ब्राउनी मेरा फेवरेट है, मैं बहुत चाव से खाती हूँ, तो यहाँ पे ब्राउनी और ये सलाद है। तो बस ऐसे ही खाते पीते इंजॉय करते हम लोग पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें जाना है। तो बस यहाँ देख सकते हैं फाइनली हमारा जो फ्लाइट है अब लैंड करने वाली है क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आदू जो है जग चुका है और उसके पापा उसको टाइम दिखा रहे हैं कि देखो इतना टाइम हो गया, अभी अब हम लोग नीचे उतरेंगे। क्योंकि अब ये भी परेशान हो रहा था, ये ना एक जगह बैठ के नहीं रहता, हालांकि ये अधिकतर बच्चों में रहता है कि एक जगह बैठ के रहना पसंद नहीं करता है। और क्या है ना कि फ्लाइट का जर्नी है ना बच्चे के लिए बहुत टफ होता है, हालांकि बड़े के लिए भी होता है क्योंकि आप इसमें ज़्यादा फ्री नहीं रह सकते। और अगर ज़्यादा दूर का सफ़र होना तो बैठे बैठे बड़े भी परेशान हो जाते हैं, खैर बच्चे का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो समझ ही नहीं सकते। और आदू काफ़ी छोटा है, उसको तो हम समझा भी नहीं सकते। और यहाँ पे अब हम लोग नीचे उतर चुके हैं और अब यहाँ पे जा रही हूँ मैं अपना बैग लाने, जो दिल्ली में ड्रॉप किया था अब वो यहाँ से कलेक्ट करना होगा और यहाँ से खुद कैरी करके अब आगे का सफर जर्नी जो है वो तय करना होगा। तो बस तो हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट गोवा के और हमने अपना सामान ले लिया है और अब हम लोग की कैब भी आ चुकी है तो हम लोग जा रहे हैं अपना कैब लेने। अभी टाइम हो रहा है 9:40 बिल्कुल, 15-20 मिनट फ्लाइट डिले था। और गोवा में आने के बाद जो है हमारा डेस्टिनेशन गोवा ही था और हमारी फ्लाइट लैंड हो गई है और उसके बाद अभी हम लोग जो है कैब की बुक लेने जा रहे हैं। तो कैब हमारी ऑलरेडी बुकड है, बस ऐसे हम एक बार प्राइस पता करेंगे कि यहाँ से कैब जो है कितना लेता है एयरपोर्ट से। ठीक है, गोवा में दो एयरपोर्ट है, एक मोपा एयरपोर्ट है, एक डम्बोलिन एयरपोर्ट है। तो हम लोग डम्बोलिन एयरपोर्ट पे जो है लैंड किए हैं। yes. हाँ, एग्जिट A1 के पास है, आ जाओ फटाफट। तो हमारी जो गाड़ी है वो आ रही है। नेहा कैसा लग रहा है गोवा आकर के, बताना चाहेंगे आप? कि यहाँ पे काफी गर्मी है, मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है, तो देखते हैं क्या है। अभी दिल्ली में इतनी गर्मी, इतने सालों के बाद तुम गोवा आई हो। तो इससे पहले जब हम लोग गोवा आए थे ना तो हम दो आए थे गोवा, और इस बार जब हम लोग गोवा आए हैं तो हम तीन आए हैं गोवा। नेहा अगली बार जब आएंगे तो चार आएंगे, छह आएंगे, अगले नहीं नहीं नहीं, अरे वो दोस्तों के साथ आएंगे, पूरा क्रिकेट क्रिकेट टीम लेके आएंगे दोस्तों के साथ। तो गाइस मैं अपने बेटे का थोड़ा रिएक्शन देख लेता हूँ। चिकू बेटा, चिकू का देखिए रिएक्शन क्या है, यहाँ पर काफी जबरदस्त रिएक्शन है इसका। चिकू चिकू गोद में बिल्कुल नहीं आना चाह रहा है, गोद में बिल्कुल नहीं आना चाह रहा है, देखिए कैसे कर रहा है गोद से करने के लिए। चिकू चिकू तो एयरपोर्ट जो गोवा का है ना वो शहर से 35-40 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ हमें उतना तय करना है और तय करके फाइनली हम लोग गोवा के जो सेंटर में वो पहुँच चुके हैं, जहाँ पे बीचेस हैं, होटल्स हैं, जहाँ लोग इन्जॉय करते हैं, क्लब है, कैसिनो है। तो हम लोग फाइनली अपने होटल में पहुँच चुके हैं, होटल आपको हम दिखा रहे हैं, कल इसका टूर जो है आप लोग को दे देंगे अच्छे से। अभी रात है तो रात में क्या ही दें, दिन में आपको अच्छे से देंगे कि हमने कौन से होटल में रुका है, क्या कितने प्राइस लगे हैं और क्या ये अच्छा है बुरा है क्या है, ये सब चीज़ें जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना मिस्टर कुमार होटल चेक इन कर रहे हैं
और ये जो है आगे फ्रंट का एरिया है, और यहाँ आपकी नेहा है जो काफ़ी मेहनत कर रही है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा चेक इन हो चुका है होटल में, तो अब हम लोग रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा सामान जो है वो जा चुका है। अब चलिए हम आपको अपना रूम दिखाते हैं कि कैसा रूम है। तो यहाँ आ चुके हैं, कार्ड इन किया और लाइट जल गई। अब जा रहे हैं हम अपने रूम में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रूम था, और चीकू पूरा बेड पे पड़ गया है, पूरा इसको रिलैक्स हो रहा है क्योंकि आज पूरे दिन बेचारा सफ़र में था, तो बड़े थक जाते हैं। तो खैर अभी बच्चा है। टॉयलेट में कुछ ऐसा था, इधर बेसिन एरिया था, कमोड एरिया था, और उधर जो है वो बाथ एरिया था। अब चलते हैं रूम में, हम आपको रूम दिखाते हैं। वैसे ठीक ही ठाक था इसका बाथरूम, ज़्यादा बड़ा नहीं था बट ठीक है। और फिर रूम में जो था वो कवर्ड था, एक टीवी यूनिट था, बाकी मिनी फ्रिज में कुछ भी नहीं दिया था। और यहाँ पे हमारा बेड था, रूम का साइज़ लगभग ठीक ही था, और दो चेयर टेबल दिए थे। अब जो है काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग पहुँचते पहुँचते हमें 11 बज गए थे, और चीकू रेस्ट कर, अब चीकू को जो है ना अभी डिनर मैं करवाऊँगी क्योंकि बेचारा घर पे ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद दो बार दूध पिया है और बीच में कुछ खा नहीं पाया। दाल चावल जो थोड़ा खाया था वो पापा के साथ वो अपने इन्जॉय कर रहा है, और अभी वो डिनर करेगा, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब गोवा आए हैं तो सोएंगे तो नहीं ही अभी। सो गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज के दिन हम लोग गोवा पहुँचे हैं, तो डे बाय डे आप लोगों के साथ सारी चीज़ें जो भी लगेगा मुझे शेयर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड होप आप लोग को मेरे वीडियोज एंड ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।